नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज टॉप इंडिया और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। और करते हैं खास खबरों की ओर। बिहार के जहानाबाद जिले में 3 मंजिला मकान बुधवार की दोपहर अचानक भरभरा कर मुख्य सड़क पर गिर गया। हादसे के वक्त भी इस सड़क से वाहनों का आवागमन जारी था। यहां सा पटना गया दोभी राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुआ। मकान ध्वस्त होने के बाद इसका पूरा मलबा सड़क पर आ गया। मकान के क्षतिग्रस्त होने की आशंका पहले ही घर वालों को हो गई थी और वे बाहर निकल आए थे। हालांकि इस हादसे में काफी नुकसान हुआ है। मकान जो है डैमेज हो रहा है, हम लोग घर से निकल के आए, अगल बगल के मोहल्ला के लड़कों को कुछ बुलाए, दोनों तरफ हम लोग गाड़ी को रोके। रोकने के बाद देखते देखते मकान एकदम धराशायी हो गया। मकान बिल्कुल नया बना हुआ था, 3-4 साल पुराना मकान था और बहुत क्षति हुआ है। जो दुकान वाला है उसको बहुत क्षति हुआ है। क्या इसमें दुकान चलती थी? हम लोग मांग करेंगे कि इसका भरपाई किया जाए। क्या इसमें क्या दुकान भी चलती थी क्या? हाँ, दुकान था। किस चीज का? बिल्कुल बंद था लॉकडाउन के कारण, दुकान बंद था। किस चीज का दुकान चलता था? रेडीमेड का दुकान था। क्या नाम, क्या नाम है आपका? काजल रेडीमेड के नाम से दुकान था। यहाँ पर 3 तल्ला का मकान था, उसी में दुकान चल रहा था। दुकान भी लॉकडाउन के चलते बंद था। फिलहाल के इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहे न्यूज टॉप इंडिया के साथ। नमस्कार।